खनिया थाना के ग्राम सिनावल खुर्द का रहने वाला महेंद्र यादव उम्र कैद की सजा काट रहा था। ग्वालियर सेंट्रल जेल से 2005 में पैरोल पर आया था, तभी से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी तिमेश छरी के अथक प्रयासों से मुखबिर की सूचना पर उसके घर पर मय फोर्स के साथ धावा बोला और आरोपी महेंद्र सिंह यादव उम्र 53 साल को घर पर दबोच लिया, जिसके कब्जे से एक 12 बोल दुनाली बंदूक, 6 जिंदा राउंड एवं 17 खाली खोके कमर बेल्ट के साथ जब्त किया। आरोपी महेंद्र यादव ने वर्ष 2002 में ग्राम सिनावल में लगातार 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। 2003 में उक्त आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह चंदेल शिवपुरी द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको आज थाना प्रभारी तिमेश छोरी के अथक प्रयासों से गिरफ्तार कर हाई कोर्ट भेजा गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कल मुझे मुखबिर से सूचना मिली थी कि 10,000 का इनामी बदमाश महेंद्र यादव अपने घर पर है। उस सूचना पर मैं फोर्स के गया था ग्राम सिनावल। आरोपी महेंद्र यादव को एक 12 बोर बंदूक बनाली और 6 जिंदा कारतूस, 17 खाली खोखे के साथ बरामद गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वर्ष 2002 में इसने 3 मर्डर करके जो सनसनी फैलाई थी, तब से ये फरार चल रहा था। माननीय उच्च न्यायालय का एक वारंट था इसका, इसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सर, कितने समय से फरार चल रहा था ये? करीब 17 वर्ष से फरार चल रहा है, 2005 से जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।